कोलकाता के खिलाफ पंजाब की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। पंजाब, राजस्थान, हैदराबाद के लिए खुशखबरी, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई की बड़ी मुश्किल है। प्लेऑफ की रेस में इन तीन टीमों की जगह पक्की तो ये चार टीमें बाहर होने के कगार पर। तो जी हाँ, आईपीएल 2024 में एक और बहुत बड़े उलटफेर ने पॉइंट्स टेबल को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, प्लेऑफ में नए समीकरण आते हैं, किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है। और अब तो आईपीएल अपने मिड सीजन से भी आगे बढ़ चुका है, जहां हर मुकाबला महामुकाबला है। इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया। कोलकाता नाइट राइडर को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। ओपनिंग से लेकर फिनिशिंग तक सब कुछ शानदार रहा और 260 रन से भी ज्यादा का टारगेट कोलकाता पंजाब किंग्स के खिलाफ रखता है, जिसे देखकर तो आप यही कहेंगे कोलकाता ये मुकाबला जीत गया। लेकिन किसी ने नहीं सोची होगी कि पंजाब किंग्स उस मुकाबले को चेज कर लेगा। उतने बड़े टारगेट को आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा चेज यहां पंजाब किंग्स ने आज इस मुकाबले में किया है। ओपनिंग से लेकर फिनिशिंग तक सब कुछ पंजाब किंग्स के हित में गया। पंजाब किंग्स को मिलती है एक बहुत बड़े मुकाबले में एक बहुत बड़ी जीत। इस जीत से प्लेऑफ की रेस में बहुत बड़ा बवाल हो गया है। पंजाब किंग्स के लिए खुशखबरी आई है, लेकिन कैसे? कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई की नींदें उड़ाई है। यहां से कौन सी टीमें अब प्लेऑफ में जगह बना रही है, कौन सी बाहर होने के कगार पर है, किस टीम को जीतने होंगे कितने मुकाबले, क्या कहते हैं इस मुकाबले के बाद प्लेऑफ के समीकरण, जानते हैं खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आपकी फेवरेट टीम जिसे आप सबसे ज्यादा आईपीएल में पसंद करते हैं और फाइनल में भी देखना चाहते हैं, उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले, 2 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे, 4 पॉइंट के साथ में 10वें पायदान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पिछला मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ जीतकर अपने आप की और अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। दरअसल प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट्स तो अब इस टीम को हासिल नहीं हो सकते हैं, यानी ये बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए डायरेक्टली प्लेऑफ में तो जगह नहीं बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये बचे हुए 5 के 5 मुकाबले जीत जाते हैं तो फिर वो 10 अंक अर्जित करेंगे, 4 पहले से हैं, 14 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में क्वालिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपको दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। उस सिनेरियो केस में होगा ये कि चौथी टीम जो 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेगी तो फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए रास्ता जरूर खोलेगा, लेकिन उसके लिए बचे हुए 5 के 5 मुकाबले जीतने होंगे, जो कि पॉसिबल लगता नहीं है। ऊपर से अगर जीत भी जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे या नहीं, या आप नहीं बल्कि दूसरी टीमें तय करेंगी। अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर गई तो आपके वो 14 पॉइंट किसी काम के नहीं आएंगे। तो इस लिहाज से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए मात्र मैथमेटिकली पॉसिबिलिटीज बची है। पॉइंट टेबल में 9th पोजीशन पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। इन्हें बड़ा झटका लगा है पंजाब की जीत से, ये अब 9th पोजीशन पर आ गए हैं। दरअसल इन्होंने 8 मुकाबले खेले, केवल 3 मुकाबले जीते, 5 मुकाबले हारे, 6 पॉइंट के साथ में 9th पोजीशन पर है। पिछला मुकाबला राजस्थान के खिलाफ हारे हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी 6 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से अगर 5 मुकाबले जीत जाते हैं तो 10 पॉइंट मिल जाएंगे और 6 पहले से हैं तो 16 हो जाएंगे और वहां से वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मुंबई इंडियंस के लिए अभी भी रास्ता पॉसिबिलिटीज में नजर आता है, मुंबई पलटवार के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अब बचे हुए 6 में से 5 जीतना इतना आसान तो नहीं होगा, टीम चाहे कोई भी हो, मुंबई हो या बाकी टीमें, रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुंबई है चूंकि पलटवार के लिए जाने जाते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 6 में से 5 ये जीत सकते हैं और प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। पॉइंट्स टेबल में 8th पोजीशन पर नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले, 3 जीते, 6 हारे, 6 पॉइंट के साथ में खुद को अब 8th पोजीशन पर लेकर आ गए हैं। पंजाब के लिए इस जीत के बाद बड़ी खुशखबरी यह है कि उन्होंने अपने आप को प्लेऑफ की रेस में जिंदा रखा है। जिंदा इसीलिए क्योंकि 9 मुकाबले आप खेल चुके हैं, खेलने आपको केवल 5 मुकाबले हैं और वो 5 के 5 जीत कर आप 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं अभी भी। जी हाँ, पंजाब किंग्स 5 के 5 जीतकर 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं और वहां से वो प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। लेकिन पंजाब किंग्स क्या बची हुई 5 के 5 मुकाबले जीत पाएगा, जिसमें इनके 2 मुकाबले चेन्नई के खिलाफ है, 1 बेंगलुरु के खिलाफ है, 1 राजस्थान के खिलाफ है और 1 हैदराबाद के खिलाफ है, तो यहाँ दिक्कतें बढ़ जाएगी। हालांकि इस मुकाबले से जीत से उम्मीदें जरूर बरकरार है। पॉइंट टेबल में 7वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले, केवल 4 मुकाबले जीते, 5 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है, 8 पॉइंट के साथ में पॉइंट टेबल में 7वें पायदान पर बने हुए हैं। पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल से जरूर हारे थे। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को 16 पॉइंट हासिल करने होंगे और 16 पॉइंट हासिल करने के लिए
लिए 4 मुकाबले और जीतने हैं, खेलने इन्हें केवल 5 मुकाबले हैं, तो 5 में से 4 जीतना रास्ता बिल्कुल बंद नहीं है लेकिन काफी मुश्किल नजर आता है। ऊपर से इनका अगले दोनों मुकाबले बेंगलुरु से है, फिर चेन्नई से है, फिर कोलकाता से है और फिर हैदराबाद से है, तो टीमें तो सारी बड़ी है। यहाँ से रास्ता मुश्किल जरूर है गुजरात टाइटंस के लिए, लेकिन उम्मीदें अभी भी बरकरार है, बचे 5 में से 4 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। वैसे कहा जाए तो मुंबई की तरह गुजरात भी रेड जोन में जरूर इस वक्त बने हुए हैं। पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले, केवल 4 जीते, 5 हारे, 8 पॉइंट के साथ में ये टीम पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर बने हुए हैं। पिछला मुकाबला गुजरात के खिलाफ जीते थे, जिससे उनके लिए राहत की खबर ये थी कि वो उम्मीदें अभी भी बरकरार है, मैथमेटिकली कैलकुलेशंस अभी भी बरकरार है। दरअसल 16 पॉइंट हासिल करने होंगे और 16 के लिए 4 मुकाबले और जीतने होंगे, और 4 मुकाबले जीतने हैं क्योंकि इन्हें केवल खेलने 5 मुकाबले हैं, तो 5 में से 4 जीतना दिल्ली कैपिटल के लिए रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ दुर्लभ इसीलिए भी है क्योंकि इनके अगले मुकाबले बहुत बड़ी टीमों से है, जैसे मुंबई से है, कोलकाता से है, राजस्थान से है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है और लखनऊ से है, तो ये बड़ी टीमें हैं। दिल्ली कैपिटल के लिए भी रास्ता मुश्किल नजर आता है, ये भी टीम उस रेड जोन में बनी हुई है, लेकिन नामुमकिन नहीं 5 में से 4। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 4 ही हारे, 8 पॉइंट के साथ में 5वें पायदान पर बने हुए हैं। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट हासिल करने होंगे और 16 पॉइंट हासिल करने के लिए 4 मुकाबले और जीतने हैं, खेलने इस टीम को अभी भी 6 मुकाबले हैं, तो 6 में से 4 जीतना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो मिडिल फेज नजर आता है, जहां से बाकी टीमों से थोड़ी सी राहत भरी इनके लिए खबर है कि उनके पास 6 मुकाबले हैं और उसमें से जीतने 4 हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीदें अभी भी बरकरार है, ऐसा ये कर भी सकते हैं। आने वाले 1-2 मुकाबले बहुत बड़े मुकाबले होंगे चेन्नई के लिए, इसमें एक हैदराबाद के खिलाफ भी इनका मुकाबला है। लेकिन खैर, पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते, 3 मुकाबले हारे हैं और 10 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर बने हुए हैं। पिछले दोनों मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ये जीते जरूर है और इनके लिए बात बहुत बड़ी खुशखबरी आई कि प्लेऑफ में खुद को काफी आगे ले आए हैं। दरअसल 16 पॉइंट हासिल करने के लिए केवल जीतने 3 मुकाबले हैं और खेलने अभी भी इस टीम को 6 मुकाबले हैं, तो लखनऊ अगर 6 में से 3 भी यानी आधे मुकाबले भी जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे, इसीलिए ये टीम ग्रीन जोन में बनी हुई है। लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टीज इसीलिए भी है ना क्योंकि सारे मुकाबले बड़ी टीमों से है, जैसे राजस्थान से है, मुंबई से है, कोलकाता से है, हैदराबाद से है, दिल्ली से है, मुंबई से है, तो सारी टीमें बड़ी नजर आती है आगे, एक भी कोई छोटी टीम से मुकाबला इनका नहीं है, लेकिन 6 में से 3 इनको ग्रीन जोन में रखता है। पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है, 8 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते, 3 मुकाबले हारे, 10 पॉइंट के साथ में 3रे पायदान पर बने हुए हैं। हैदराबाद पिछला मुकाबला बेंगलुरु से हारे जरूर है और जिसके बाद थोड़ी सी यहां पर डिफिकल्टीज आई है, लेकिन अभी भी खुद को ग्रीन जोन में रखे हुए है। दरअसल 16 पॉइंट हासिल करने के लिए केवल 3 मुकाबले जीतने और खेलने अभी भी इनको 6 मुकाबले है, तो 6 में से अगर हैदराबाद 3 भी जीत जाते हैं तो खुद को प्लेऑफ में पाएंगे। वैसे रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, हाँ खुद को ग्रीन जोन में रख रहे हैं क्योंकि हैदराबाद को देखकर आप कहेंगे 6 में से 3 इनके लिए आसान नजर आता है। दूसरे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते, 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा और 10 पॉइंट के साथ में, और चूंकि नेट रेट अच्छी है जिसकी वजह से ये दूसरे पायदान पर बने हुए हैं। पंजाब से मिली हार के बाद जरूर इनका एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किलें बड़ी नहीं है, ऐसा इसीलिए भी कह रहे हैं ना क्योंकि इस टीम को अभी भी 6 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से अगर ये 3 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में अभी भी जगह बना लेंगे, उस लिहाज से 6 में से 3 जीतना कोलकाता जैसी टीम के लिए कोई रास्ता मुश्किल होने वाला नहीं है। खैर, पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है, 8 मुकाबले खेले, 7 जीते, 1 ही हारा है, 14 पॉइंट हासिल कर लिए हैं और खुद को पहले पायदान पर रखा है, 16 पॉइंट हासिल करते ही क्वालिफाई हो जाएंगे, मतलब 1 मुकाबला जीतना है, खेलने अभी भी 6 है, तो 6 में से 1 जीतना मात्र औपचारिकता बाकी के बराबर है, बाकी ये टीम प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। लेकिन उस रेस में खुद को कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ उम्मीदें जिंदा बरकरार रखी हुई है, चेन्नई भी खुद को काफी आगे पाती है, लेकिन कुछ टीमें जैसे बेंगलुरु, पंजाब, मुंबई, गुजरात, दिल्ली, इनकी बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है।